फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मोदक। ओरियो मोदक हैं, ओरियो चोको चिप मोदक बनाए हैं हमने। बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। मैं आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए ये कितने अच्छे बने हैं। अंदर से इसकी फीलिंग देखिए। गणपति बप्पा मोरिया। फ्रेंड्स, गणपति उत्सव आ रहा है। पूरे भारतवर्ष में गणपति आगमन की तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। आज हम भी गणपति जी के प्रिय मोदक की रेसिपी लेकर आए हैं। आज हम बनाएंगे चोको चिप मोदक। खाने में बहुत टेस्टी हैं और 10 मिनट में बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को कैसे बनाते हैं। और आप लोगों को अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। चोको चिप मोदक बनाने के लिए हमने लिए हैं 3 पैकेट ओरियो बिस्किट के। ये वेट में 120 ग्राम है। आप एक बड़ा पैकेट भी ले सकते हो। मिल्क है 1/4 कप। चोको चिप्स हैं 1/4। 2 टेबलस्पून मिल्क मेड है। बटर है 1 टेबलस्पून और 1/4 कप कोकोनट है। अब हम बनाते हैं चोको मोदक। हम सारे बिस्किट्स को ऐसे पैकेट में से निकाल लेंगे। अब हम बिस्किट्स में से इस तरह से क्रीम को अलग कर देंगे। हमने बिस्किट में से क्रीम को अलग कर लिया है। अब हम इस बिस्किट को मिक्सी में पीस लेंगे और इसका एक बारीक पाउडर बना लेंगे। इसका फाइन पाउडर बना लिया है। इसे मैं एक बर्तन में खाली कर लूँगी। अब मैं इसमें बटर ऐड करूँगी। और एक इसका दूध डालकर डो तैयार कर लूँगी। मिल्क हम उतना ही लेंगे जितना हमें ज़रूरत है। हमारा मोदक का डो तैयार हो गया है। अब हम इसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। जो हमने बिस्किट में से क्रीम निकाली थी उसको हम बाउल में डाल लेंगे। इसे हमने अच्छी तरह क्रीम को फैट लिया है। अब हम इसके अंदर कोकोनट पाउडर डालेंगे। साथ में हम डालेंगे मिल्क मेड और हम इसमें डालेंगे चोको चिप्स और इसे हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमारी स्टफिंग भी तैयार हो गई है। अब हम मोदक तैयार करते हैं। इस तरह से मोदक का एक साँचा ले लेंगे। उसमें थोड़ा हम अंदर की तरफ बटर लगा देंगे इस तरह से। अब हमने जो ओरियो बिस्किट की स्टफिंग बनाई थी उसे हम इस तरह से इसमें डालेंगे। इवनली अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे इसको। ऐसे ही हम दूसरी तरफ लगाएंगे। अब हम इसे बंद करके अंदर से भी इसे अच्छी तरह चारों तरफ से लॉक कर देंगे।
अब हमने जो स्टफिंग तैयार करी थी वो हम इसके अंदर फिल करेंगे। इस तरह से हम ले लेंगे, ऐसे हम उसका एक रोल बना लेंगे जिससे कि आराम से अंदर चला जाए। इसके ऊपर हम थोड़ा सा ओरियो वाला डो लगाकर इसे लॉक कर देंगे। आराम से खोलेंगे, देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा बना है। हम इसको हल्के हाथों से निकालेंगे, देखिए कितना सुंदर मोदक बना है। ना इसके लिए हमने गैस जलाई है, ना कुछ भूना है, और हमारा ओरियो चोको चिप मोदक बनके तैयार है। इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। तो एक और मोदक बनाकर दिखाती हूँ। हम इस तरह से इसे दोनों सांचों में लगा देंगे। इस तरह से हम इसे बंद कर देंगे और एक बार अंदर से साइडों में भी हम इसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। साइडों में भी हम इसको अच्छी तरह फिल कर देंगे। अब हम इसके अंदर जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी उसको भरेंगे और हम इसे इस तरह से कवर कर देंगे। अब हम इसे बाहर निकालेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स ये भी बनके हमारा तैयार हो गया है। अब हम सारे मोदक बनाकर तैयार कर लेते हैं। सारे मोदक बनाकर तैयार कर लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स कितने सुंदर लग रहे हैं मोदक हमारे। आपको एक मोदक कट करके दिखाती हूँ कि कितना अच्छा बना है। अच्छा बना है हमारा चोको चिप मोदक, खाने में बहुत टेस्टी। आप गणपति जी के आगमन में इसी से भोग लगाइए। और आपको अगर ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसको ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और मेरे चैनल को